प्रदेश सरकार द्वारा बस किराया वृद्धि के विरोध में कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय में किए गए विरोध प्रदर्शन में कोरोना संकट के बावजूद सामाजिक दूरी की अवहेलना हुई है। जिला भर के कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे थे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहीद स्मारक में एकत्रित हुए नेताओं व कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय तक रैली निकाली तथा डीसी कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आलम ये था कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं में भी सामाजिक दूरी नजरअंदाज रही। कोरोना संकट के चलते एमएचए की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय महाजन ने भी माना कि सबको कहा था कि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें। मास्क सभी ने पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में हो सकता है कि हमारे कहने के बावजूद कोई चूक रह गई हो। कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। जिला प्रशासन का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनकी अवहेलना की गई है, तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के माध्यम से वो की जाएगी। एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बस किराए में 25% वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। सरकार इस वृद्धि को वापस ले। सरकार ने डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ाकर आम गरीब वर्ग की परेशानी बढ़ा दी है। आज हमने बहुत कम लोगों के साथ प्रदर्शन किया है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, विधायक व पूर्व विधायक शामिल रहे। भाजपा वाले हवन कर रहे, जन्मदिन मना रहे, लेकिन अंधी बहरी सरकार कुछ नहीं सुन व देख रही है। सबको कहा था कि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें। मास्क तो सभी ने पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में हो सकता है कि हमारे कहने के बावजूद कोई चूक रह गई हो। कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सरकार हर रोज कोई ना कोई जनता विरोधी निर्णय ले रही है। जो ताजा निर्णय इन्होंने लिया कि 25% किराए जो ट्रांसपोर्ट की में वृद्धि आई है, उसके खिलाफ हमने आज ये प्रदर्शन किया कि सरकार को हमने चिताया है कि ये जन विरोधी निर्णय है और इसका आप रोल बैक कीजिए और वापस जो ओरिजिनल रेट से उस पर लेके आइए। एक तो पहले सबसे पहले इन्होंने डीजल के रेट बढ़ाए, पेट्रोल के रेट बढ़ाए, उससे जो आम ट्रांसपोर्टर था उसके ऊपर बहुत बोझ पड़ा और वो मतलब अपनी गाड़ियों चलाने में मतलब ऐसे महरूम हो गया और असमर्थ हो गया। और हमने सरकार से पिछली बारी जब हम यहाँ पे आए, हमने उन्हें कहा कि इसको रेट्स कम करे जाएं, डीजल के रेट कम करें, पर उन्होंने वो तो रेट कम नहीं किए, पर ये जो बाकी रेट्स थे ट्रांसपोर्ट के उसको बढ़ा दिया। और अगली जो कार्रवाई आप कह रहे हो, आज हमने स्टार्ट किया है। आज हमने अपने लोगों की, आज बहुत कम हम सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, एक्स एमएलए थे और एमएलए थे, क्योंकि ये आज जो सोशल डिस्टेंसिंग के को माध्यम में रखते हुए हमने बहुत एक लिमिटेड लोग बुलाए, पर ये जो लोग हैं ये हमने इनको सरकार को ये चेताना चाहा है कि अगर वो ये जो जन विरोधी निर्णय नहीं वापस लेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और वो हर माध्यम जो मतलब है लोगों की आवाज़ हम उठाएंगे और इनको बताएंगे कि ये मतलब फैसले वापस लो। ये जो है ये बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का है और एक्स एमएलए एमएलए का है। ये जो बीजेपी वाले जो हवन कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं और ये आगे जाके इकट्ठे कर रहे हैं, वो उनको ध्यान रखना चाहिए। हम तो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आवाज़ ये बहरी अंधी सरकार है, कुछ भी कर लो सुनती नहीं है, तो हम क्या करें? लोगों की आवाज़ कोई ना कोई तो उठाएगा, तो हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, पर हमने बहुत कम लोग आज यहाँ पे आए हैं। हमने इस पैंडेमिक में इस तरह ये कितना जायज़ है सर, भाजपा हमने हमने सबको ये निर्देश और रिक्वेस्ट भी किया था कि आप, क्योंकि बहुत कम संख्या में लोग आए थे और सबसे हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करें, तो मास्क का तो उपयोग सबने किया। सोशल डिस्टेंसिंग में हो सकता है कि थोड़ी बहुत ही मतलब अनदेखी होगी हो, मतलब हमारे कहने के बावजूद, पर
ये मतलब कोई इतना बड़ा हमारा वो हजूम नहीं था, ये बड़े लिमिटेड से लोग थे, पर ये जो ये लॉ जो है ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर दी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, बाकियों के लिए होना चाहिए। और आपकी जो बात है आप ठीक कह रहे हो, होना चाहिए। पैनडेमिक के अंदर हमने सबको कहा, पर हमने कहने के बावजूद थोड़ी बहुत जो अनदेखी हुई है, पर ये बहुत लोग कम आए, हम ज़्यादा लोग नहीं आए। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कोरोना संकट के चलते MHA की गाइडलाइन के अनुसार सोशल और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनकी अवहेलना की गई है, तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के माध्यम से वो की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं की गई है तो ये कानूनन अपराध बनता है। MHA की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देखिए, आपके माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और जैसा कि MHA के ऑर्डर्स हैं, सोशल और किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम मैरिजेज एंड डेथ सेरेमनीज उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उसको अगर वायलेट किया गया है तो इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के माध्यम से वो आने वाले समय में किया जाएगा। देखिए, समय समय पर लोगों के खिलाफ FIRs भी दर्ज हो रही हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और जो ये मामला पर्टिकुलरली हम मेरे संज्ञान में आया है, आपके माध्यम से भी कुछ वीडियोस के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस प्रकार से अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, अगर उसको वायलेट किया है तो ज़रूर ये कानूनन अपराध बनता है और जो भी MHA की गाइडलाइंस है उनको उपयोग करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है और कोई वायलेट किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई पक्की होगी। बिल्कुल, इसकी शिकायत आई है और जहाँ तक मेरी पुलिस से बात हुई थी इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की सोशल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो 31 जुलाई तक तो बिल्कुल ही मना है। और अगर इस प्रकार के कोई मामले हमारे संज्ञान में आते हैं तो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।